यहाँ से स्टोर का नजारा देखो, इतना बड़ा होकर भी हर चीज कैसे बिल्कुल ढंग से लगी हुई है। हाँ विनोद, सचमुच ये एक बड़ा स्टोर है, लेकिन तुम देखो कि स्टोर लेआउट की प्लानिंग कितनी अच्छी है। यहाँ सब कुछ बस यूं ही नहीं रखा है, इसमें और भी बहुत कुछ है। इस एरिया को, या यूं कहें कि पूरे स्टोर की प्लानिंग में बहुत सारी गणनाएं, निरीक्षण और हिसाब किताब का समावेश है। चलो इस स्टोर को 3D मॉडल सहायता से समझते हैं। देखो, ये स्टोर का टॉप व्यू प्लान है। प्रत्येक स्टोर में 3 भाग होते हैं, सेलिंग एरिया, सर्कुलेशन एरिया और बैक एरिया। यहाँ जो तुम देख रहे हो वो बैक एरिया है। बैक एरिया सिर्फ स्टाफ के लिए होता है। इस एरिया में स्टाफ वॉशरूम, क्लोक रूम, स्टोरेज रूम्स और माल लेने और भेजने की जगह है। बैक एरिया में ग्राहकों का आना मना है। ये सेलिंग एरिया है। ये वो एरिया है जहां सारे माल या उत्पादन को प्रदर्शित किया जाता है या बेचा जाता है। ये सर्कुलेशन एरिया है। ग्राहकों और ट्रॉली के आवागमन के एरिया को सर्कुलेशन एरिया कहा जाता है। ओके, तो स्टोर को इस तरह से विभिन्न क्षेत्र में बांटा गया है। हाँ, और हर एरिया को दी जाने वाली जगह स्टोर टाइप पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी रिटेल आउटलेट का बिक्री ही मुख्य काम है, इसलिए 60% जगह सेलिंग एरिया को दी जाती है। दूसरे नंबर पर सर्कुलेशन एरिया है, जिसे 25% जगह मिलती है, और बाकी की बची हुई 15% जगह में बैक एरिया होता है। ओके, उत्पादनों को सेलिंग एरिया में किस ढंग से रखा जाता है? मेरा मतलब है, वहाँ भी अलग अलग तरह के उत्पादन होते हैं? बिल्कुल ठीक। मेन सेलिंग एरिया के अलावा सेलिंग एरिया की व्यवस्था अलग अलग खरीदारी के ढंग के अनुसार की जाती है। जैसे किसी भी उत्पादन की मांग के आधार पर उसका स्थान तय होता है। जिन उत्पादनों की मांग ज्यादा है उन्हें ऐसी जगह रखा जाता है जहां उन पर ग्राहक की नजर आसानी से पड़े। जैसे यहां इस माल को उसी को ध्यान में रखकर रखा गया है। कैसे? यहां रखे हुए सामानों को खरीदने में ग्राहक को आसानी होगी, उन्हें इन्हें खोजने या इन तक पहुँचने में परेशानी नहीं होती, ये उनके रास्ते में ही रखी गई है। यहाँ स्टेपल मर्चेंडाइज यानी रोजमर्रा के सामान भी हैं। स्टेपल यानी मुख्य सामग्री जो ग्राहक स्टोर में खरीदने आता है। जैसे जब हम महीने भर का राशन खरीदने जाते हैं तो हमारे पास आवश्यक सामानों की एक लिस्ट होती है, जैसे आटा, दाल और तेल। और तीसरा प्रकार है इंपल्स मर्चेंडाइज। ये वो सामान है जो ग्राहक के दिमाग में स्टोर में आते समय नहीं रहता, जैसा कि सामान जिन पर छूट हो या सेल हो, ऐसी चीजें जो अचानक आपका ध्यान खींच ले। इंपल्स मर्चेंडाइज कभी ज्यादा महंगी नहीं होती। हाँ, मैं समझ गया। जैसे चॉकलेट को बिलिंग काउंटर के पास रखते हैं ताकि बच्चे और बड़े ग्राहक भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएं जब वो बिलिंग के लिए खड़े रहते हैं। बहुत अच्छे विनोद, तुम बहुत जल्दी समझ गए। अलग अलग सामान के लिए किए गए जगह के बंटवारे को कहा जाता है मर्चेंडाइज एलोकेशन। चलो, अभी तक हमने स्टोर में जगह का बंटवारा और सामानों के बारे में सीखा, अब हम सर्कुलेशन प्लान के बारे में भी जान लें।